बोर्ड एकदम सर पर है बच्चों के, किस तरीके से छात्र अभिभावक एवं टीचर्स तैयारी करें बोर्ड क्लासेस का और एग्जाम का? तैयारी तो पूरे वर्ष बच्चे कर चुके हैं, अब तो फाइनल कंक्लूजन और निष्कर्ष है, लेकिन फिर भी जो बच्चे पूरे वर्ष किन्हीं कारणों से ध्यान नहीं दे पाए पढ़ाई पर, उनके लिए हमने टीचर्स को कहा है, बच्चों से भी कहा है, पेरेंट्स को बताया है कि जो बच्चे कमजोर हैं और पासिंग मार्क्स लेने में भी असमर्थ हैं, वो चुनिंदा पाठ्यक्रम पर ध्यान दें। ऐसा पोर्शन हर सब्जेक्ट का जो आसान है और जिसे वो करके परीक्षा में पास हो सकते हैं उस पर केंद्रित करें, तो इस फरवरी माह में वो उस पर केंद्रित कर लेंगे तो मार्च में होने वाले एग्जाम में वो निश्चित तौर पर पास हो जाएंगे। जो बच्चे होशियार हैं, मेरिटोरियस हैं, टॉपर्स हैं, उन्होंने सारा सिलेबस ग्रास्प कर रखा है, उनसे हमने कहा कि वो पिछले बीते वर्षों के कुछ जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी तरीके को देख लें और उन सारे क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से एक बार पूरे सिलेबस को दोबारा से हिप्स कर लें, याद कर लें और अच्छी तरह दोहराई कर लें, ताकि वो हरियाणा प्रदेश में जिले फरीदाबाद में एक अच्छी पोजीशन हासिल कर सके। सर, अभिभावक और टीचर्स किस तरीके से साथ दे सकते हैं बच्चे का? अभिभावक साथ दे सकते हैं उन्हें मोबाइल फोन से दूर रखकर, उन्हें शादी ब्याह में जाने से रोककर, उन्हें सब वक्त से उठाकर और उन्हें अपने पास बैठाकर कुछ मॉरल टीचिंग्स और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल बातें करके, कुछ उदाहरण पेश करके, यथार्थ से धरातल से कुछ उदाहरण पेश करके उन्हें मन से अपने साथ जोड़कर अग्रसर कर सकते हैं। और टीचर सर? टीचर्स भी अपनी बातों का असर उन पर छोड़कर क्लास में 40 मिनट के पीरियड में हमने कह रखा कि 5 मिनट या 10 मिनट कम से कम ऐसे लगाएं जिससे बच्चा आज के वर्तमान हालात से रूबरू हो, अतीत की कुछ स्मृतियां उनके सामने पेश करें, कुछ ऐसी बातें करें जिससे उनके मन पर प्रभाव पड़े, क्योंकि मन का बदलाव ही असली बदलाव है और मन से जब बच्चा बदलता है तो बदलाव नजर आते हैं। ऊपर से बदले, हम बदलने की कोशिश करें, उसको नहीं बदलेगा, क्योंकि अंदर तक उसके दिल तक पहुंचने की जरूरत है।